inspired to write after seeing a short film on YouTube before exams, because why not? So it was like, एक अनजान से अजनबी से अनजान सा रिश्ता है मेरा. फिर से कहते एक अनजान से अजनबी से अनजान सा रिश्ता है मेरा. हम रोज एक दूसरे को देखते हैं, आंखों ही आंखों में मुस्कुराते भी हैं, और एक वो isn't it a bit awkward वाली स्माइल भी एक्सचेंज करते हैं. लेकिन ये जो रिश्ता है ना, ये अब क्या है ये मैं नहीं जानती, पर एक छोटा सा सफर जरूर है. वो मेरी सोसाइटी के 10th फ्लोर पे रहता है और मैं 12th फ्लोर पे, और ग्राउंड फ्लोर से लेके 10th फ्लोर तक का ये सफर ही है हमारा रिश्ता. अनजान सा वो अजनबियों वाला. अब ना उसे मेरा नाम पता है और ना ही मुझे उसका. बस हमें पता है तो इतना कि वो 10th फ्लोर पे रहता है और मैं 12th फ्लोर पे, और 2 मिनट हम एक दूसरे के साथ लिफ्ट में दिन में एक दफा बिताते हैं, और उस 2 मिनट के सफर में हम एक दूसरे को इतना सही तरह से भापने की कोशिश करते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, पर बात नहीं कर पाते हैं. वैसे तो कभी बात नहीं करते, यहाँ तक कि हेलो नहीं बोला आज तक हमने, पर जब भी किसी एक को लिफ्ट पकड़ने में देर हो जाती है तो दूसरा उसके इंतजार में लिफ्ट को रोके खड़ा रहता है, और लिफ्ट में जगह होने पर भी थोड़ी ओवरक्राउडेड है ना कहकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए उस लिफ्ट से बाहर आ जाता है. शायद यही है हम अनजान अजनबियों का एक अनजान सा रिश्ता. अब हर रिश्ते का कोई नाम हो ये जरूरी नहीं होता, और हर एहसास जिसका नाम हो वो रिश्ता हो ये भी तो जरूरी नहीं होता. एक अनजान से अजनबी से अनजान सा रिश्ता है मेरा. एक दफा उसने शायद हिम्मत जुटाकर कोशिश भी की थी मुझसे बात करने की, पर 2 मिनट का वो छोटा सा सफर और बीच में खड़ी वो 6th फ्लोर वाली आंटी, पूरा प्लान था. एक दफा फिर मैंने भी सोच लिया कि अब तो मुझे भी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन फिर से वो मुझे 2 मिनट और बीच में खड़े वो 13th फ्लोर वाले चाचा. अब वक्त ऐसा आ गया था कि शायद ना वो रह पा रहा था और शायद ना ही मैं, तो एक बार लिफ्ट बुलाई और इस बार किसी बच्चे की तरह उसने पहले माले से लेकर 10वें माले तक के सारे बटन दबा दिए, और मैंने भी अपने फोन में बिजी लिखने के बहाने उस बात को जानकर भी अनजाना कर दिया. फिर उसने मन मन से मुस्कुराहट के साथ मुझे कहा कि लगता है कोई बच्चा शायद बटन दबा के भाग गया, और मैंने भी शर्माते हुए मेरा सर हिला दिया. जैसे जैसे हर फ्लोर पर दरवाजा खुलता गया वैसे ही वो 2 मिनट आज 10 मिनट के हो गए थे, और वो छोटी सी लिफ्ट जिसमें हर रोज घुटन सी महसूस होती थी आज उस घुटन का एहसास नहीं पर कुछ नया सा एहसास हो रहा था. एक दूसरे का नाम तो नहीं जान पाए, बस इतना जान पाए कि वो 10th फ्लोर पे रहता था और मैं 12th फ्लोर पे. पर उस लिफ्ट के सफर के अंत में एक बात जरूर बदल गई कि अब ये रिश्ता अनजान सा अजनबियों वाला नहीं था, बट एक जाने पहचाने अनजान अजनबी से एक अनजाना सा रिश्ता बन गया था. थैंक यू.